कि पहली बात तो है कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है, वो सारी डिमांड चूंकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का ये ज़रूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है, आज भी वो लोग लगातार इस समय उनकी वीडियोज़ आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी हार्ड ड्रॉ और क्या क्या लेके चलना, और एक एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए, आखिर किसान भी वो अपने ही अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है, आखिर ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए, लेकिन ट्रैक्टर जो है इट इज़ नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है और जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये एक हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, तो किसानी के लिए है, तो किसानी के लिए वो जाते हैं तो किसानी का काम करें, ऐसा चैलेंज होता है। ये एक प्रकार का एक अब इसको शब्द देना ठीक मैं नहीं समझता, क्योंकि उनके मानस में ये बात आई है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से बातें होती हैं, सारी बैठ के बातचीत करनी चाहिए, बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं, और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है, और उस अलग अलग स्टैंड में अल्टीमेटली ऐसे लोकतंत्र में इस प्रकार के विषयों को रखने के प्लेटफॉर्म होते हैं। आपसी बातचीत एक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो ये विषय पार्लियामेंट में, ये विषय विधानसभा में, उसमें उठने चाहिए। बहुत लोग जाते हैं, जनप्रतिनिधित्व तो आखिर सबके बीच में से जाते हैं, और मैं तो इस बात के लिए हमारे काम की कार्यपत्ति कैसे ही हो, लेकिन सोच के नाते गुरनाम सिंह चरूणी की प्रशंसा करता हूँ। गुरनाम सिंह चरूणी ने यह कहा कि हाँ, हम चुनाव लड़के जाएंगे और किसान की बात लोकसभा में रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे। आह्वान है हमारा लोकतंत्र तरीके से, कोई जाए कोई बात रखे, कहीं आपत्ति नहीं है, बात चले बहस चले, लेकिन जैसे हरियाणवी में कहा होता ना, मैं तो ना मानूं। अब ये उचित नहीं है। किस तरह से तनाव हो रहा है बॉर्डर पे, दोनों स्टेट के रिलेशंस में भी फर्क आ रहा है, पंजाब ने आपत्ति भी की है जो पीआरडीएस के सेल्स के जाने। अच्छा है, ऐसा है, पंजाब का अनुभव नया नया है, हमारा अनुभव बहुत पुराना है। अगर ये पंजाब में एक साल भर ऐसे ही चलता रहा जैसे हरियाणा ने झेला है, तो पंजाब हमको बताएगा कि उनका अनुभव क्या रहा है। ठीक है ना, देखिए इसमें तो मेरा निवेदन यही है पत्रकार बंधुओं से कि अपनी सुरक्षा का ध्यान उनको रखना चाहिए, क्योंकि पत्रकार भी कई बार होड़ में आ जाते हैं। क्या आती है ब्रेकिंग न्यूज, यानी अब मैं आपको वहाँ का नहीं, मैं आपको अपने हरियाणा का उदाहरण बताता हूँ। हमने बहुत उस समय भी समझाया था, पंचकुला में हमने एक स्पेस बनाया था अलग से कि आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ रखिए और जो कुछ कवर करना यहाँ से करिए। तो हमारे पत्रकार मित्रों ने, अपने ही भाई हैं आप सब हैं, तो क्या किया था, वहाँ सब दौड़ दौड़ के अंदर घुसे, चोट लगी ना। देखिए, आपने बहुत अच्छा ये विषय इस ढंग से उठाया है। मैं अपने पंजाब के किसान भाइयों को ये निवेदन करता हूँ, केंद्र वाली बातें कब तय हो कब नहीं हो, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारी तरफ देख लें जो कुछ हम कर रहे हैं। हमने इतने सारे किसानों के लिए काम किए हैं, हमारा किसान संतुष्ट है, यही बातें कम से कम पंजाब सरकार को मनवा लें। हम 14 फसलें अपनी ये MSP और खरीदते हैं, वहाँ 2 फसलें सेंटर, वो तो खरीदनी, क्योंकि सेंटर का एक मैंडेट है, धान है और गेहूँ है, तीसरा अगर कह सकते तो गन्ना है,
गन्ने पर को भी अशोर्ड प्राइस के ऊपर लेते हैं, हमारी मिले हैं सरकारी हैं या कोऑपरेटिव करती हैं। इसके अलावा पंजाब में तो आप कोई फसल नहीं खरीदते। हमने बाजरा भावांतर पर कर लिया, सब्जियां भावांतर पर कर ली, हमने हमारे यहाँ मूँगफली होती है वो हमने लेनी शुरू की है, मूँग है वो लेनी शुरू की है, तिल है वो लेना शुरू किया, सरसों वो लेना शुरू किया, सूरजमुखी वो लेना शुरू किया। सूरजमुखी में भी 1000 रुपये हमने भावांतर दिया ना। अब 100-200 रुपया ऊपर नीचे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ 5000 रुपये में बिक रही थी, 5200 रुपये में बिक रही थी, हमने 1000 रुपये भावांतर दिया, 6200 हो गया ना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सारी चीज़ें आपस में बैठ करके की जा सकती हैं। अगर हरियाणा जिस प्रकार से किसानों को सारी चीज़ें देता है, मुआवजा देता है, सब बातें देता, पंजाब का किसान अगर उनसे अपनी बातें रखे और वहाँ पूरी करा लें, तो पंजाब के किसान की आधी से ज़्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आज पराली जलाने में वहाँ सबसे ज़्यादा न्यूसेंस है, ज़मीनें उल्टा पुल्टा करने में जो हरियाणा में पहले 10 साल पहले होता था, आज उल्टा पुल्टा वहाँ भी होता है। हमने जमीनें किसान की खरीदने के लिए किसान के ऊपर छोड़ दिया, भैया सहमति से लेंगे, ई भूमि पर आप डाल दो, आपको बेचनी है तो हमारी डिमांड है तो हम भी डाल देंगे, आप रेट अपना तय करो, रेट के बाद बैठ के नेगोशिएट करते हैं और उसमें समस्याएं हल होती हैं। कोई ब्लेम इस समय तक का या किसान उसके हमने जबरदस्ती जमीन ली, कोई एक भी आया 10 साल में? नहीं आया है। तो किसान से कैसे डील करना? और आज हमने जो बाकी व्यवस्थाएं भी ठीक की हैं उनमें ज़्यादातर लाभ तो सारे समाज के उस वर्ग को मिला है जो गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। पारदर्शी नौकरियां, इसका लाभ किसान को बेटे को नहीं मिल रहा क्या? पंजाब के किसान को ये भी मांग डालनी चाहिए सर, हरियाणा के जो पानी है सॉइल नहीं जा पा रही है, मांग पत्र में डालना चाहिए। नहीं नहीं, वो मांग पत्र में डाले हमारे हरियाणा के लोगों को हमने कहा है और हरियाणा के लोग समझने लग गया। आज हरियाणा का आदमी ठीक है, छोटपोटाएं होती होंगी, छोटपोट लोग वहां जाते भी होंगे, एक आध बेल्ट में कहीं 200-500 हज़ार 2000 लोग ऐसे तैयार भी रहते होंगे, लेकिन आज पंजाब हरियाणा का किसान पंजाब के किसान को कहता है कि भाई पहले एसवाईएल का पानी हमको दिलवाओ, वहाँ से आपके साथ तब खड़े होंगे। देखते क्या है, सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है, कोई भी जाति होगी उस जाति को लोग देखते हैं। हमारा विषय है कि हम लैंड रोड की स्थिति, क्योंकि स्टेट के जिम्मे होती है, हम अपने हरियाणा में लैंड रोड की स्थिति की चिंता करेंगे और उसके लिए तय किया है कि जब तक आप सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे या जब तक वहाँ दिल्ली में जाने के लिए आपको कोई और कोई तरीका बात करनी है तो दिल्ली के लोगों से बात कर ही रहे हैं। कोई डेपुटेशन इस नाते से 20-30-50 लोगों का जा सकता है, हम हज़ारों लोग ट्रैक्टर लेके जाएंगे और दृश्य क्या बनेगा? दृश्य क्या बनेगा? लाल किला पर क्या दृश्य बना पिछली बार? यार यही देश चाहता है क्या? देश में इन चीजों की स्वीकार्यता नहीं है।